जय श्री कृष्णा। आइए आज हम लोग देखिए, सबसे पहले किसी भी क्रमकांड पर या किसी भी तरह के जग अनुष्ठान में संकल्प का बड़ा महत्व होता है। यदि आप किसी जग अनुष्ठान में हो या फिर नॉर्मल कोई व्रत या पूजन करते हो तो बिना संकल्प के उस व्रत पूजन का फल नहीं मिलता है। अगर आप उपवास रहते हो तो पहले आप संकल्प करें। संकल्प से क्या होता है, संकल्प से हम उस व्रत में बंध जाते हैं जिससे हमें उसका फल मिलता है और उसे हमें निर्विघ्न पूरा करने की साहस भी मिलती है। तो संकल्प हमारे गीता प्रेस गोरखपुर नित्य कर्म पूजा पद्धति में संकल्प दो प्रकार के बतलाए गए हैं। प्रथम निष्काम संकल्प और दूसरा सकाम संकल्प। निष्काम संकल्प हम लोग हाथ में अक्षत पुष्प लेकर, दाहिने हाथ में जल द्रव इत्यादि लेकर संकल्प किया जाता है। और सकाम संकल्प जो होता है उसमें हम किसी कामना विशेष का नाम ले लेते हैं, वही सकाम संकल्प हो जाता है। संकल्प करने की विधि, हाथ में अक्षत जल द्रव इत्यादि लेकर संकल्प करना चाहिए।